समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान बीजेपी की कितनी खिलाफत करते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। वो बात बात पर योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी पर हमले करते रहते हैं, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि आजम खान बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। जी हां, और यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के इकलौते मुस्लिम मंत्री मोहसिन रजा ने किया है। मोहसिन रजा की माने तो सपा के कद्दावर नेता आजम खान आजकल विचलित है और उनका रुझान बीजेपी की ओर बढ़ रहा है। मंत्री ने आजम खान के हृदय परिवर्तन की भी बात की है। मोहसिन रजा ने यह दावा शाहजहांपुर में आंबेडकर जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में किया। इसके पीछे मोहसिन रजा का दावा है कि आजम खान बखूबी जानते हैं और समझते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, इसलिए वो विचलित होकर बीजेपी की ओर संभावनाएं तलाश रहे हैं। इस समारोह में मोहसिन रजा ने खुद के हिंदू होने की बात भी कही। मोहसिन रजा ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदू है, इस नाते वो भी खुद को हिंदू ही मानते हैं। अब मोहसिन रजा के इस दावे में कितना दम है इसका जवाब आजम खान की ओर से आना बाकी है। वायरल कीड़ा न्यूज़।